गुड मॉर्निंग सहिता जी, 5:30 बज चुके हैं, उठ जाइए, आज सोमवार है। गुड मॉर्निंग। हाँ ऐसे सही, आज सोमवार है, घड़ी बजने वाले हैं, 5:30 ऊपर उठ गए, 6 बजने वाले हैं, तो फटाफट उठ जाइए, फिर पूजा करेंगे आज सोमवार की, फिर चलेंगे आज। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, तो हो गई है सुबह। सुबह तो कब की हो गई थी, क्योंकि जेठू जी मुझे कब के उठाने लग गए थे, तो मैं यहाँ पे नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मैं आपको मेरा लुक दिखाती हूँ, फिर चलते हैं पूजा करने, क्योंकि आज है सावन का पहला सोमवार। तो सबसे पहले आप सभी को सावन के पहले सोमवार की ढेरों 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 सारी शुभकामनाएं। तो जल्दी से कमेंट्स में क्या लिखना है, हर हर महादेव, जय शिव शंकर। मेरा तो पिछले जो 7 दिन थे वो बहुत ही अच्छे थे फास्टिंग के, तो जो जो फास्टिंग कर रहे हैं उनके कैसे चल रहे हैं व्रत वगैरह, कैसे चल रहे हैं डे, तो आप मुझे जरूर बताना। और हाँ, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं पूरा दिन कैसे रहती हूँ, क्या खाती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, सारी चीजें अपडेट दूंगी। बने रहना, बहुत सारा प्यार देना। पहले मैं आपको मेरा लुक दिखा दूं, उसके बाद चलते हम पूजा करने। आज मैंने पहनी है ग्रीन कलर। वैसे भी सावन है तो ग्रीन कलर तो वो भी रहता है, और मुझे ये ग्रीन कलर बहुत ही सुंदर लगा है, तो मैंने सोचा ये वाला ग्रीन कलर ही पहना जाए। तो मैं कैसी लग रही हूँ नीचे कमेंट्स मुझे जरूर जरूर बताना। तो यहाँ पे पूजा के सामान आ चुके हैं, जिसमें होगा कच्चा दूध, बेलपत्र, ये हैं फूल जो कि शिव जी के चढ़ते हैं, ये भी हैं वो फूल जो शिव जी के चढ़ते हैं, ये आंकड़े के फूल बोलते हैं, आप लोग इसको क्या बोलते हो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए, ज्यादा कुछ नहीं लेट करते हुए हम करते हैं हमारी शिव जी की पूजा। गंगाधराय सारे गांव से दूध मंगा के नंदी को नहला दो, नंदी को नहला दो, शिव जी भोले को नहला दो, आया आया रे त्योहार आया। हाँ जी, तो अब आप लोग मुझे बोलोगे कि दीदी तांबे के गड़िये से दूध नहीं चढ़ाते हैं, बिल्कुल मुझे भी मेरे घर वालों ने अब बता दिया, तो अब ये गलती नेक्स्ट टाइम से नहीं होगी। सो हर हर महादेव। को बता दे कि हम महादेव के सोमवार वाले नहीं, पूरे महीने वाले भक्त हैं। हे भोलेनाथ, मेरी हैसियत से ज्यादा मेरी थाली में तूने परोसा है, आख मुश्किलें भी दे दे मालिक, मुझे तुझ पे भरोसा है। हर हर महादेव। भांग हरियो शिव कर दो नी, शिव के चरणों में जो कोई ध्यान लगा, तुरा शिव जी आगे भांग धतुरा शिव जी थारे चरत है, कर दो नी मेरा बेड़ा पार, ओ शिव डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 डमरू बजाना, सावन के महीने बाबा कावड़ लेके आएंगे, सावन के महीने हो, सावन के महीने बाबा कावड़ लेके आएंगे, कावड़ लेके आए बाबा तुझे को चढ़ाएंगे। अंधन को आँख देते, कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, सूर शाम शरण आए सफल की ज सेवा। आप लोग भी ऐसी करते हो, इस पाले जो शिव जी का जल होता है उसको हाथों में आंखों में बच्चों के लगाना चाहिए, हम लोग तो सब लगाते हैं, आप लोग ऐसे करते हो। तो हो गई है शिव जी की पूजा, अब काम करेंगे पूजा, अब बनाएंगे खाना, और इस जल को हम चढ़ाते हैं पिंपल में, और जो ये बेलपत्र वगैरह जो भी रहते हैं शिव जी के चढ़ाए हुए, वो सारे के सारे हम पिंपल में चढ़ा देते हैं। हाँ जी, तो पूजा हो चुकी है, बिस्तर बिस्तर भी ठीक कर चुकी है, अब जाएंगे हम किचन में, किचन में जाके खाना बनाएंगे। बट आज मुझे लग रहा है मैं यही लुक में रखूँ, चेंज नहीं करूँ, खाना इसी में बनाते हैं। तो आज बनेगी मस्त आलू दम की ग्रेवी वाली दही दे की सब्जी, और काकड़िए की सब्जी, और फुलके।
सो ये है आज खाने का मेन्यू जो मैं बनाऊंगी। जेठू जी से बात कर रहे हैं बट अभी क्या है थोड़ी देर टाइम है तब तक थोड़ा सा रूम वगैरह चीज़ें वगैरह ठीक कर देती है, तो ये रूम ठीक हो गया। बाकी घर कपड़े बहुत सारे काम होते हैं ना, तो सारी चीज़ें ठीक करनी हो रही है, तो ये रूम तो मैंने प्रॉपर्टी पूरा ठीक कर दिया, बाकी रूम चलते हैं। सो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट्स में जरूर बताना। हर हर महादेव लिखना मत भूलना। शिव जी का पहला सोमवार है, शिव जी सबकी मनोकामना पूरी करे, सबकी शुरुआत मुझसे करे। तो बस चलते रहे, अच्छा अच्छा होते रहे, और आप सब अपना प्यार बहुत सारा देते रहो। और आप लोग जो भी सावन का सोमवार किए हो वो कैसा रहा बताना, और चूंकि पूरा सावन कर रहे हो वो भी बताना। और हाँ, मुझे बहुत लोग कमेंट्स में ये पूछ रहे हैं कि क्या शिव जी को घर पे रख सकती हैं। हाँ जी बिल्कुल रख सकती हैं। क्या शिव जी के ऊपर चावल को पीले करके, तो वो पीले चावल नहीं है, वो मैं चंदन लगा के करती हूँ। तो वो चंदन के चावल हमको हमारे पंडित जी बता रखे हैं, तो चंदन के चावल लगाती हैं। क्या शिव जी को हाथ टच कर सकती हैं लेडीज? बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल, तभी तो हम करते हैं, हमारे पंडित जी ने हमको करा रखा है तभी हम कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है, पूजा उजा हम कर रहे हैं। बस कोई पकड़ वाला तो है नहीं, फोन स्टैंड लगा लगा कि काम चलाते रहेंगे। आप बनाते रहना, आप देखते रहना, मैं बनाती रहूंगी। तो चलिए चलते हैं। हेलो, क्या जब भी आते हो हेलो 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 बोलते हो? तो क्या बोलूं मैं, बताओ मुझे ना यार, बोलना नहीं आता। तो सीखो, बाकी लोग बोलते हैं ना। वो यार सब है ना बहुत इंटेलिजेंट है, ये नहीं आता मेरे बस की बात ही नहीं है। बस ठीक है यार, मुझे अच्छा कैसे करूं और सब कोई नहीं, मुझे अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता। मुझे कोई सीरियस टॉपिक पे बात चले ना तब मुझे बात करना चाहिए। सीरियस टॉपिक कहां से लाऊं दीदी आपके लिए? नहीं, एक टॉपिक तो मैं लाने वाला हूं, बस अगर अनुमति मिल गई ना तो 100% उस टॉपिक सबसे बात करूंगा, कुछ भी हो जाए चाहे। बस मुझे एक बार अनुमति मिल जाए उस टॉपिक पे, तो आप मुझे 20 मिनट का कहोगे ना लाइव आके बात कर लूंगा। आपको पता है सबसे बड़ी बात क्या है, मेरे को सब कोई कमेंट में यही बोलते हैं, दीदी आप जीजू को बात करने दिया करो, दीदी आप जीजू को बात करने दिया करो। नहीं, बात करने दिया करो, लेकिन मुझे मुझे हंसी आ जाएगी, मैं बोलूंगा तो ये बात ही नहीं करते हैं, ऐसे ही है। इसे फटाफट जाना है मुझे किचन में, यहाँ पे कपड़े रूम वगैरह ठीक कर लिए हैं मैंने, कपड़े ठीक करके ये तो धोना ही है, एक बार सीधा करके छोड़ देती हूँ, फिर चलते हैं किचन में। तो सरिता जी, हाँ जी, 1 मिलियन होने वाले हो जाएंगे, पता नहीं कब होंगे। मैं तो ये बोल रहा हूँ 998 का सेलिब्रेशन कर लो। हाँ सेलिब्रेशन तो करो, और क्या है ना, आमिर खान की पिक्चर ना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। हाँ यार, कुछ कुछ अपने कॉन्सेप्ट भी कमजोर है ना, अभी कॉन्सेप्ट आएंगे तो। मेरे पास कितनी बड़ी बात है, मेरे पास अभी ना किचन का हेल्पर है, ना मेरे पास कोई वीडियोस का हेल्पर है, कुछ भी नहीं है। मतलब इतना ज्यादा परेशानी में चल रही हूँ ना, इतनी ज्यादा जिसकी कोई सीमा नहीं है। सारा काम खुद को, खाना खुद को, फिर वीडियोस बनाना, तो यार मन ही नहीं होता, कसम से बोलती हूँ, मेरे बस का ही नहीं है। और ऊपर से आप लोग बोलते हो क्या करती हो, दिन भर नाचते रहती हो यार। क्या वाह, कुछ नहीं। तो यहाँ पे आलू बनना चढ़ा दिया है, आलू उबल रहे हैं, तब तक मैं आग लगा लेती हूँ आटा, आटा लगा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो जी। हेलो। हेलो जी। हेलो, क्या हो रहा है? खाना बना रहे हैं। ये तो खाना नहीं बन रहा है, ये तो ठंडा टिकड़ा सुखाया जा रहा है। ये ठंडी रोटियां इसलिए सुखाई जा रही हैं कि इसको मैं आने वाले टाइम में छौं के हम सब खाएंगे। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे बताना, मैं वेरी सून इसकी रेसिपी लेके आऊंगी। कि घर पे जो रोटियां बच जाती है ना, उनको भी हम बहुत ही अच्छे से यूज कर सकते हैं, ये बर्बाद नहीं होती है। अरे इसका तो क्या टेस्ट ही नहीं है, लेकिन तब तक तो यार लेट हो जाएगी ना। नहीं होगी, तो श्रावण में तो प्याज नहीं, बिना बिना इधर आओ, आपको बना के खाऊंगी, मैं तो खाऊंगी नहीं, मेरा तो पास रहेगा, मैं आप लोगों को खिलाऊंगी। क्या बनाओगे सब्जी आज? आज बनेगी दम आलू की सब्जी। आप ना ये आलू दम आलू ऐसे मत बोला करो। तो क्या बोलूं? मैं पिछले 4 दिन से खाना खा रहा हूँ ना। 4 दिन से? मतलब जो अभी जो ये व्रत में जो जितना, हाँ आप जो भी सब्जियां बनाते हो ना उससे बोला करो, रसदार आलू, रसीले आलू, रसदार फली है ना, स्वीटिस काकड़िया, ऐसा कुछ बोला करो ना। हाँ हाँ हाँ, क्या टेस्ट। फोन बज रहा है, रिसीव करके आ जाओ। टमाटर डाल दिया मैंने,
समझ में ही नहीं आता है, मेरे को तो पसंद ही नहीं है। तो भाई हमारे घर पे बहुत सारे टमाटर है ना मीनू जी, बोलो डाल दो। सोच रहे मेरे पैसे लगाओ, ये टमाटर खा रहे हैं। नहीं तो सर्दी के टमाटर काम ले रहे हैं अपने तो रेट तो बाजार में अब महंगी हुई है, अपने तो पहले वाले ही पड़े हैं टमाटर। नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप भी लेके आई हो जेठू जी तो मेरे हार्ट अटैक आ जाएगा। ये बोलेंगे मेरी बीवी अब पता चला ये सब्जी इतनी अच्छी अच्छी क्यों बनाती है, आप समझ में आया। तो चलिए मैं बनाती हूँ सब्जी फिर रोटी और मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए यूट्यूब में लाइव। वो भी अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरा लाइव शेयर किया हुआ मेरे ब्लॉग में, जरूर जाके देखना क्योंकि मैं अभी लाइव जाके फिर मिलूंगी आप लोगों से और इधर सब्जी भी बनती रहेगी और मेरी बातें भी होती रहेगी। सब मिलते हैं वहां पे और हाँ थोड़ी देर बाद वापस मिलूंगी, मैं रोटी वोटी बना के खाना कैसा बनता है सब्जी कैसी है सारी अपडेट दूंगी आप लोगों के साथ। जी सरिता जी, हाँ जी हो गया सब रेडी? हाँ बस ऑलमोस्ट हो गया खाना। तो क्या क्या बनी है सब जी? मेरे फेस दिखाओ, स्वेटिंग से भरा पड़ा है और इतनी गर्मी है और ऊपर से वीडियो के चक्कर में पूरा तैयार होकर रहना पड़ रहा है। सब्जी क्या है बताऊं? एक तो मुझे मेरी देसी लग रही है पसंद, एक ये बनाई है मैंने काकड़ी की सब्जी, दिस कॉलिंग चटनी, काकड़ी की चटनी मेरे को बहुत पसंद है और ये ना स्वीट है, स्वीट है ना। हाँ ये बनाई है मैंने रसीले आलू, रसीले आलू। हाँ जी आलू क्या रसीले आलू, थोड़ा क्लोज दिखाना आप आ जाओ ना थोड़ा आगे। अरे मुझे ना आप आओ ना, आप गर्मी में रहो, मुझे गर्मी लग रही है। ये तेल नहीं है ज्यादा इसमें, मैंने क्या करती हूँ थोड़ा सा चीनी देके बनाते हैं ना तो वो एकदम बाहर उभर के आ जाता है, जो कलर होता है ना वो एकदम बहुत अच्छे से आ जाता है। यहाँ पे ये बन गए टिकरे भजिए के लिए पराठे, अब मेरे लिए बनाऊंगी रोटियाँ। ऑलमोस्ट हो गया सारा काम डन, सही मेरी हालत देख ही रहे हो आप लोग। सो हो गया है खाना कम्प्लीट, आप देख रहे हो। अब करूँगी मैं ड्रेस चेंज, बहुत हालत बुरी हो गई है, वीडियोज़ भी बन गए हैं, अब दूसरे वीडियोज़ और बनाने हैं मुझे। वेट कर रही हूँ खुशी का, अगर वो आ जाए तो बनाऊँगी, अदरवाइज़ जेठू जी अगर बना के देंगे तो वो कर रहे हैं अपने बेटे से बातें, हेमन से बातें हो रही हैं। तो आज हेमन की स्कूल भी ऑफ है क्योंकि आज वहाँ पे गुड़गांव में बहुत ज़्यादा फ्लड है। ये रही माँ, ब्लॉग शूट करिए। हाँ मेटू, हाँ मेटू आवाज़ बंद करना। क्या बेटू? ओ वाह, आज आपने नहा धो के पूरी हनुमान जलसा पड़ी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। आप है ना आज शिव जी का सोमवार है तो अच्छे से लाले का भी पूजा कर लिया ना, नाले की भी? नाले की अभी पूजा नहीं की क्योंकि अभी मैंने अभी दिया। हाँ कोई बात नहीं, हाँ कोई भाई शाम को कर लेना, चलो अपना ध्यान रखना है ना। सब खुशी आ चुकी है, हेलो। तो अब हम बनाएंगे वीडियोस, लेकिन पहले मैं खाऊंगी खाना। खुशी तू खाना खा के तो ना आई है? खाना के नहीं आई हूँ क्योंकि खुशी को मेरे हाथ के आलू दम की सब्जी और रोटी ही खानी थी, तो मैंने इसलिए आज आलू की सब्जी बनाई है। तो खुशी भी खाना खाएगी, मैं भी खाना खाऊंगी, फिर हम बनाएंगे वीडियोस। और एक बात बताऊं कि खुशी ने भी व्रत रखा है पूरे 2 महीने का, हम दोनों बहनों ने व्रत रखा है। तो तेरे कैसे चल रहे हैं फास्ट? मजेदार। तो आज तो शायद सबने फास्ट रखा होगा, मम्मी पापा भाई भाभी, हाँ एक ख्वाहिश को छोड़कर सबने फास्ट रखा है। सो बहुत ही अच्छा दिन है, सोमवार है, शिवजी सब पे मेहरबान हो, सबके विशेष पूरी करे शिवजी। तो अब मैं खाऊंगी खाना, बट ये वाला ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, खाना आपको दिखा दूंगी क्या क्या खाऊंगी क्योंकि मैं एक टाइम खाना खाती हूँ। तो हम लोग खाएंगे अब खाना, ये वाला ब्लॉग एंड कर रही हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आज का ब्लॉग आज तक आप लोगों के पास पहुंचेगा ही नहीं फिर। सो खूब सारा प्यार देना, कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलना, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे बहुत कुछ अपडेट आने वाला है, बहुत कुछ नए नए चीजें आप लोगों के सामने दिखने वाली हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना खुशी? तो यहाँ पे ये मैंने मेरा खाना यहाँ पे पूरा लगा दिया है, सब्जी रोटी दही हॉट के सारा यही ले आई हूँ, बाकी तो थोड़े बहुत जेठू जी ला देंगे, है ना जेठू जी, है ना जेठू जी, बाकी खाना आप खिला दोगे ना? अब तो खुशी आ गई है, वरना फिर जेठू जी खिला देते हैं खाना। तो ओके बाय, बहुत जल्दी खूब सारे प्यार देना आप लोग।